हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फ्रेंच थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है रेंडिज बॉस। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पुलिस एक लेडी को अरेस्ट कर रही है। इसके बाद कहानी 6 महीने पीछे फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। कार में एक फैमिली कहीं बाहर जा रही थी। फैमिली फ्रेंच शिफ्ट हो रही है। वो एक घर पर पहुंचते हैं लेकिन उस घर की हालत बहुत ही ख़राब होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है उस लेडी का नाम सीमोन है और उसके हस्बैंड का नाम एरिक। वो उससे पूछती है क्या हम इस जगह को ठीक कर पाएंगे। एरिक कहता है हाँ बिल्कुल हम कर पाएंगे। इसके बाद अगले दिन सीमोन बाहर से कुछ सामान खरीदने जाती है जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी किसी से फ़ोन पर बात करते हुए चिल्ला रहा है। वहाँ पर सीमोन उस आदमी से पूछती है क्या वो किसी ऐसे आदमी को जानता है जो घर में प्लम्बिंग का काम कर सके। वो आदमी कहता है तुम येलो पेजेस चेक करके उस आदमी को ढूंढ सकती हो। फिर वो सुपरमार्केट जाती है जहाँ पर एक लड़का उसे बोलता है तुम ये वाला जूस ट्राई करो ये ज़्यादा डिलीशियस है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर सीमोन देखती है उसकी बेटी आसपास कहीं भी नहीं दिख रही है। वो अपनी बेटी को ढूंढती है जिसका नाम सुजैन होता है। तभी एक आदमी सुजैन को लेकर आता है। इसके बाद वो आदमी कहता है वो टॉय डिपार्टमेंट में थी। इसके बाद वो घर आ जाती है और उसका पति एरिक घर पर प्लम्बिंग का काम कर रहा होता है। इसके बाद एरिक कहता है उसने सारे लीकेज ठीक कर दिए हैं। इसके बाद सीमोन कहती है क्या अब हम नहा सकते हैं। इसके बाद वो कहता है हाँ लेकिन सिर्फ ठंडे पानी से। इसके बाद वो अपने बच्चों को नहलाती है और फिर ये फैमिली बारिश का मज़ा लेती है। अगले दिन दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और सीमोन दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती है। वहाँ पर एक टीचर खड़ी होती है जो सीमोन से कहती है तुम ठीक 5 बजे बच्चों को लेने आ जाना। सीमोन उससे कहती है सॉरी मुझे फ्रेंच ज़्यादा नहीं आती। टीचर कहती है कोई बात नहीं तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। सीमोन बच्चों को बाय कहकर जा रही होती है। तभी वो देखती है एक औरत कार में बैठी रो रही है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सीमोन और उसकी फैमिली एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर सब लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। वो वहाँ खाना ऑर्डर करते हैं और एक आदमी वहाँ आ जाता है जो उसे सुपरमार्केट में मिला था। फिर वो सीमोन से पूछता है क्या उन्होंने खाना एंजॉय किया। इसके बाद वो एरिक से कहती है ये वही इंसान है जिसने सुजैन को ढूंढा था और मैं थैंक्स कहना भूल गई थी। फिर वो आदमी अपना नाम पीटर बताता है और एरिक उससे हाथ मिलाता है। इसके बाद एरिक उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं वो आदमी एरिक के साथ उनके घर भी जाता है और उनकी हेल्प करता है। और वो कहता है घर की इम्यूनिटी को ख़त्म करने के लिए उन्हें हर 6 घंटे में आग जलानी होगी। इसके बाद एरिक और सीमोन घर को मेंटेन करने लगते हैं और अपने काम को एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो मार्केट से कुछ सामान खरीद कर लाती है। वो देखती है कुछ लोग उसके घर पर काम कर रहे हैं। वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी उसे वहीं पर वो लड़का भी मिलता है जिसने सुपरमार्केट में उसकी हेल्प की थी। इसके बाद सीमोन वहाँ पर काम कर रहे लोगों के लिए खाना बनाती है। सबको खाना सर्व करने के बाद फिर वो लकड़ी के टुकड़े कर रही होती है। तभी पीछे से वही लड़का आ जाता है जिसका नाम माइकल होता है। वो सीमोन को कुल्हाड़ी पकड़ना सिखाता है। इसके बाद सीमोन अपने बच्चों को पुरानी एल्बम दिखा रही होती है। इसके बाद रात में वो लोग एंजॉय करते हैं। वहाँ पर पीटर भी होता है और वो सीमोन से कहता है मुझे पता है तुम्हारी माँ नहीं है लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँ तुम बहुत ही बुरा खाना बनाती हो। तभी एरिक वहाँ पर बियर लेकर आ जाता है और पीटर एरिक से पूछता है क्या सीमोन की माँ ने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया था। तभी एरिक कहता है हाँ ये सच है और उसकी माँ हमारे लिए बहुत सारा पैसा छोड़कर गई है। इसके बाद सीमोन एरिक से अकेले में कहती है उन्हें किसी अजनबी के सामने नहीं बताना चाहिए कि उनके पास कितना पैसा है। एरिक इस बात पर कहता है वो अब हमारा फ्रेंड है लेकिन सीमोन कहती है वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। एरिक कहता है तुम्हें दुनिया के लोगों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। अगले दिन माइकल और उसके साथी फिर से सीमोन के घर पर काम करने आते हैं। सीमोन माइकल को देखती है माइकल भी सीमोन को देखता है और स्माइल करता है। इसके बाद हम देखते हैं सीमोन कुकिंग की बुक देखकर कुछ बना रही है और एरिक से कहती है लंच तैयार है। इसके बाद वो लकड़ियों को काटने चली जाती है और माइकल उसकी हेल्प करता है। वो कमरे में आग जलाते हैं और माइकल सीमोन की बॉडी को टच करता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। माइकल के छूने से सीमोन हाँफने लगती है और जल्दी से किचन की तरफ भागती है और गैस पर चढ़े बर्तन को उतारती है। इसके बाद सब लोगों के लिए खाना सर्व करती है। इस बार उसने खाना अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद वहाँ पर बैठे हुए दो लोग अपना टिफिन निकालते हैं। फिर माइकल सीमोन का बना हुआ खाना अपनी प्लेट में डालता है। इसके बाद जिसे देखकर उसके दोस्त उसे घूरते हैं और कहते हैं ये सब खाकर मरना चाहते हो क्या। अगली सुबह एरिक सीमोन से कहता है
तुम्हें हार्डवेयर स्टोर जाना पड़ेगा। सिमोन पूछती है वो स्टोर कितनी दूर है, जिसे सुनकर एरिक कहता है वहाँ पर पहुँचने के लिए उसे हाफ एन आवर लगेगा। फिर वो कहती है उसे सामान की लिस्ट दे दो। तब वो कहता है पीटर ने कहा है उसे अपने साथ किसी एक्सपीरियंस बंदे को लेकर जाना चाहिए। तब सिमोन कहती है ये काम माइकल अकेले भी तो कर सकता है। तब एरिक कहता है फालतू में बकवास मत करो, मैं किसी अनजान आदमी को अपना डेबिट कार्ड नहीं दे सकता और माइकल उसे खा नहीं जाएगा। इसके बाद वहां पर माइकल आ जाता है और सिमोन उसके साथ चली जाती है। वे स्टोर पहुंचते हैं लेकिन स्टोर बंद होता है। फिर माइकल सिमोन से कहता है वो उसे एक अच्छी जगह ले जाना चाहता है। इसके बाद वो सिमोन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। फिर वहां पर बैठकर वो लोग लंच करते हैं और माइकल सिमोन से पूछता है उसका क्या ड्रीम है। सिमोन कहती है सिर्फ यही कि उसका घर जल्दी से रेडी हो जाए। लेकिन माइकल कहता है इसमें काफ़ी मंथ लगेंगे, क्या तुम इतना वेट करोगी खुश होने के लिए। इसके बाद सिमोन कहती है मेरी एक और विश है, लेकिन उसे सुनकर तुम हंसना मत। माइकल कहता है मैं नहीं हंसूंगा। इसके बाद वो कहती है मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खुश रहें। तब माइकल कहता है तुम सिर्फ अपने बच्चे और फैमिली के बारे में सोचती हो, तुम खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती। और वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। इसके बाद वो सिमोन को किस कर लेता है और कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। फिर अगले दिन सिमोन को एक कॉल आता है। फ़ोन करने वाला बंदा कहता है एरिक की मॉम को स्ट्रोक आया है और वो बहुत सीरियस है। वो एरिक से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। एरिक कहता है ये पॉसिबल नहीं है, हमारे बच्चों का स्कूल भी है और घर पर वर्कर भी काम कर रहे हैं। वो अकेला ही चला जाता है। अगले दिन सिमोन की बहन लैंग वहाँ पर रहने आ जाती है। फिर सिमोन जब नहा रही होती है तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है। फिर वो अपनी बॉडी को छुपाने लगती है। तब माइकल कहता है प्लीज़ तुम अपने हाथ नीचे कर लो, तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल बॉडी को छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सिमोन की बेटी उसे आवाज़ देती है, तभी वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और सिमोन की बेटी माइकल को भी बाथरूम से निकलते हुए देख लेती है। अगले सीन में सिमोन अपनी बहन लैंग के साथ कहीं पर जा रही होती है, तभी माइकल वहाँ पर आकर कहता है सिमोन क्या तुम्हें याद है हमें हार्डवेयर स्टोर जाना था, हमें कुछ एल्यूमिनियम इक्विपमेंट्स खरीदने हैं और पेमेंट तुम्हें ही करना है। तभी सिमोन लैंग से पूछती है क्या वो उनके साथ चल सकता है। लैंग कहती है हाँ बिल्कुल चल सकता है। इसके बाद माइकल कार में बैठ जाता है। लैंग सिमोन से कहती है शायद माइकल तुम्हें लाइक करता है। सिमोन कहती है पहले हमें स्कूल जाना है बच्चों को लेने के लिए। फिर वो जब स्कूल पहुंचते हैं तब सिमोन लैंग से कहती है क्या तुम बच्चों के लिए यहीं वेट करोगी, हम हार्डवेयर स्टोर होकर आते हैं। इसके बाद वो दोनों एक खाली पड़े हुए घर में जाते हैं और वहाँ पर रोमांस करते हुए घपाघप करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सिमोन किचन में काम कर रही होती है और माइकल के साथ हुए रोमांस को याद कर रही है। इसके बाद रात हो जाती है और सिमोन टॉवल में खड़ी ब्रश कर रही होती है, तभी उसे वहाँ पर कुछ आर्ट सुनाई देती है। जब वो टॉर्च जलाकर देखती है तभी वहाँ उसे पीछे से पीटर आवाज़ देता है। तब वो कहता है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। तब सिमोन कहती है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तभी पीटर कहता है मुझे एरिक ने सब पर नज़र रखने के लिए कहा है। इसके बाद वो कहता है क्या एरिक ने उसे बताया है वो पार्टी करने जा रहा है। तब सिमोन कहती है नहीं। फिर पीटर कहता है तुम अपने लिए एक अच्छी ड्रेस खरीद लो क्योंकि ये पार्टी खास होने वाली है। इसके बाद पीटर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह माइकल सिमोन को देखता है। इसके बाद वो कमरे में जाती है, उसके पीछे पीछे माइकल भी आ जाता है। फिर वो सिमोन को किस करता है, तभी वहाँ पर दूसरे वर्कर आ जाते हैं और माइकल वहाँ छुप जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं माइकल और सिमोन एक साथ बेड पर लेटे हुए हैं और माइकल अपने बचपन को शेयर करता है। इसके बाद सिमोन वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं बच्चे और लैंग लंच कर रहे हैं। फिर सिमोन लेट आने के लिए सॉरी कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं लैंग जा रही है और हक करते हुए कहती है वो सब जानती है, वो अंधी नहीं है और ना ही एरिक बेवकूफ़ है। इसके बाद लैंग वहाँ से चली जाती है। फिर सिमोन माइकल से मिलकर कहती है उन्हें ये सब बंद करना होगा। तभी माइकल उसे किस करने लगता है लेकिन सिमोन उसे रोकती है और कहती है मुझे जाने दो और मेरे घर से दूर रहो और तुम अपने लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ लो। इसके बाद एरिक घर वापस आ जाता है और बच्चे एरिक से पूछते हैं नानी माँ को क्या हुआ। एरिक कहता है नानी माँ अब ठीक हैं। इसके बाद वो बच्चों से लैंग के बारे में पूछता है और कहता है क्या लैंग ने तुम्हारी मम्मी की हेल्प की। बच्चे कहते हैं हाँ और सुजैन बताती है लैंग ने उसके लिए बुक भी पढ़ी जब मॉम नहीं मिल रही थी। तब एरिक पूछता है मॉम कहाँ पर थी। तब सुजैन कहती है मॉम बाथरूम में थी माइकल के साथ। तभी वहाँ पर सिमोन भी आ जाती है और एरिक सिमोन को देखता है। सिमोन कहती है हाँ माइकल बाथरूम में गीज़र ठीक कर रहा था, अब उनके बाथरूम में गर्म पानी आता है। तभी वो एरिक से कहती है तुम नहा क्यों नहीं लेते। फिर वो बच्चों के साथ चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं माइकल प्लम्बिंग का काम कर रहा होता है।
फिर वो माइकल से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब माइकल कहता है, मैं काम कर रहा हूँ। फिर सीमोन कहती है, तुम कहीं और काम क्यों नहीं करते? माइकल कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं बॉस नहीं हूँ, तुम समझ रही हो ना? इसके बाद सीमोन वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, बाहर सब लंच कर रहे होते हैं। तभी एरिक कहता है, मैं और पीटर तुमसे बात करना चाहते हैं। और एरिक कहता है, हमने एक बात सोची है कि हमें एक बंगलो बनवाना चाहिए। फिर पीटर कहता है, सीमोन तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन है? तुम किस वजह से डर रही हो? तुम्हें सिर्फ ज़मीन देनी है, बंगलो वहाँ पर मैं बनवा लूँगा। एरिक कहता है, ये फ़ायदे का सौदा है। सीमोन कहती है, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती और मैं कोई भी बंगलो नहीं बनवाना चाहती। तभी रात के टाइम एरिक सीमोन से कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम कंस्ट्रक्शन के काम में टेंशन क्यों पैदा कर रही हो? तभी सीमोन कहती है, मैं वो नहीं हूँ जिसने प्लान चेंज किया है, प्लान पीटर और तुमने चेंज किया है। एरिक कहता है, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा ऑफर नहीं मिल सकता, इसके बारे में तुम ज़रा सोचो। तभी सीमोन कहती है, बस बहुत हुआ, सॉरी, हम यहाँ सिर्फ इसके लिए आए हैं क्योंकि तुम चाहते थे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं, सीमोन किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे वॉमिट होने लगती है। तभी वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वो पॉजिटिव आता है। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है अबॉर्शन करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टर कहता है, फ्रेंच में उसकी कंट्री जैसा नहीं है। तभी सीमोन कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। फिर डॉक्टर कहता है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, गॉड ने तुम्हें गिफ्ट दिया है। अगले सीन में पीटर बच्चों के लिए एक पपी लेकर आता है। तभी सीमोन आकर बच्चों को साथ में चलने के लिए कहती है। तभी पीटर सीमोन से कहता है, क्या वो कंस्ट्रक्शन के काम को होल्ड पर रख रही है? तभी वो उसे साइड में ले जाकर माइकल और उसके किस की फोटोग्राफ्स दिखाता है और वो कहता है, इसके बारे में थोड़ा सोचो। और एरिक एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो बच्चों को खुश देखना चाहता है। तभी सब लंच कर रहे होते हैं। पीटर एरिक से कहता है, क्या सीमोन ने तुम्हें बताया उसने सब कुछ क्लियर कर लिया है? एरिक सीमोन से पूछता है, क्या ये सच है? सीमोन कहती है, हाँ। एरिक खुश हो जाता है। फिर उनकी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ सीमोन को मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है। पीटर वहाँ पर पार्टी दे रहा था और एरिक सीमोन भी वहाँ पर होते हैं। तभी पीटर कहता है, उसकी ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी सब पार्टी इंजॉय करने लगते हैं और सीमोन की नज़र पीटर की फ़ोटो पर पड़ती है। तभी वहाँ पर उसे एक माइकल की भी फ़ोटो दिखती है। तभी उसे याद आता है, पीटर ने उसे कहा था उसकी एक्स का बेटा उसके बेटे की तरह है, और माइकल ने ये कहा था उसकी माँ को डिप्रेशन था, उसकी डेथ हो गई थी आग में जलने की वजह से। तभी वहाँ पर रीटा आ जाती है, ये वही औरत होती है जो कार में रो रही थी। तभी वो सीमोन से कहती है, माइकल फ़ोटो में कितना इनोसेंट लग रहा है। तभी सीमोन को चक्कर आने लगते हैं और उसे वो सब याद आता है कि माइकल कैसे सुपरमार्केट में जानबूझकर उससे मिला था, और पीटर भी। तभी वो पार्टी से बाहर आ जाती है, माइकल भी उसके पीछे आ जाता है। सीमोन माइकल से कहती है, क्या तुम लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हो? पीटर तुम्हारा बाप है। माइकल कहता है, पीटर मेरा बाप नहीं है। सीमोन कहती है, झूठ मत बोलो, तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई। माइकल कहता है, क्या? और वो सीमोन को थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर पीटर आता है, सीमोन उस पर थूक कर चली जाती है। अगली सुबह पीटर सीमोन को फ़ोन करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। फिर वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती है। जब वो घर पर आती है तब उसे पीटर मिलता है और उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सीमोन कहती है, डोंट टच मी। वो एरिक को सब बता देगी, प्रेगनेंसी के बारे में भी। एरिक वहाँ पर आता है, सीमोन एरिक से कहती है, पीटर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। एरिक पीटर से पूछता है, सीमोन क्या कह रही है? सीमोन कहती है, पीटर का यकीन मत करना। पीटर एरिक से कहता है, हम सब फैमिली मेंबर हैं, सीमोन के पेट में पल रहा बच्चा मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। फिर वो पीछे मुड़ता है और सीमोन उसे धक्का दे देती है और पीटर का सर लकड़ी पर लगता है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी माइकल वहाँ पर आ जाता है और सीमोन एरिक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एरिक पीटर की गाड़ी लेकर पीटर के घर पर छोड़ता है। वहाँ पर एंटोनियो उन्हें देख लेता है। फिर सीमोन माइकल को कॉल करती है और वो कहती है, पीटर के घर पर एंटोनियो ने उन्हें देख लिया है। वो कहता है, डोंट वरी, अभी घर मत आओ और ये पक्का करो कि लोग तुम्हें वहाँ पर देख लें, मैं सब संभाल लूँगा। इसके बाद वो बच्चों को स्कूल से पिक करते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, लंच करते हैं। इसके बाद घर पर आ जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं पुलिस आती है, जो हमने शुरुआत में देखा था, जो सीमोन को लेकर जा रही है और लॉकअप में बंद कर देती है। और पुलिस ऑफिसर आकर कहता है वो उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो एक दीवार के सहारे बैठ जाती है और उसे वहाँ से आवाज़ आती है। तभी पुलिस वाला आकर उसे साथ चलने को कहता है। तभी एरिक सीमोन से मिलने के लिए आता है। एक्चुअली पुलिस ने उसे छोड़ दिया होता है। पुलिस कहती है उन्हें कुछ न्यू सुराग मिले हैं। तभी हम देखते हैं माइकल को पुलिस पकड़कर ला रही होती है। पुलिस कहती है इस लड़के ने कन्फेस कर लिया है कि पीटर को इसने ही मारा है।
फिर वो माइकल को देखती है, फिर एरिक और सीमोन घर पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एरिक और सीमोन अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।